हेलो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। आज हम बनाएंगे बेसन पितौर कढ़ी। इसके लिए 200 ग्राम बेसन ले लिए हैं। इसी में 1/4 चम्मच नमक, इसी में 1/4 चम्मच हल्दी, इसको मिला लेंगे। अब पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। घोल ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना लेंगे। अच्छे से फेंट लेंगे इसको। घोल बन चुका है। कढ़ाई गरम हो चुका है, आंच धीमा कर देंगे। अब इसी में बेसन का घोल डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे कटोरा को खंगार कर। अब इसको चलाते रहना है। घोल को धीमे आंच में पका लेना है। लगातार चलाते हुए इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है। पानी पूरा सुखा देना है इसका। जैसे जैसे पानी इसका सूखेगा बेसन गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा ही पक जाएगा। बेसन तैयार हो गया है। एक थाली ले लिए हैं, उसको पलट दिए हैं। इसी पर 1 चम्मच तेल डाल देंगे, सरसों का। इसको चारों तरफ फैला देंगे। अब इसी पर बेसन डालेंगे। अब इसको फैला लेंगे, हाथ पानी में भिगा भिगा कर इसको फैला लेंगे ताकि गर्म नहीं लगेगा। चारों तरफ इसको फैलाना है। दाब दाब कर चारों तरफ फैला लेंगे इसको। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गया है। अब इसको हम पीस के साइज में काट लेंगे ऐसे। बेसन को हम बर्फी के साइज में ऐसे काट लिए हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल को गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब बेसन का पीस को तल लेंगे। मीडियम आंच में तलना है।
पलट कर दोनों तरफ से तल लेंगे। इसको 2 मिनट तक तलना है, इसको ज्यादा देर तक नहीं तलना है। अब इसको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे बेसन का पीस को तल लेंगे। सारे पीस हम तल चुके हैं, अब सब्जी बनाएंगे। तेल गरम हो चुका है, एक सूखा मिर्च इसमें डाल देंगे तोड़कर, 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, 1 गांठ लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे, 1 इंच अदरक कुटा हुआ डाल देंगे, 2 हरी मिर्च कुटा हुआ इसको भी डाल देंगे और इसको भूनेंगे। दो मिनट तक इसको भून लिए हैं। अब 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसी में 1 टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मसाले के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों पीस लिए हैं, इसी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसे मिला लेंगे। इसी में मसाला डाल देंगे। मसाले को मीडियम आंच में भूनेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मसाला भून चुका है, 5 मिनट तक मीडियम आंच में भूने थे। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम इसमें 1.5 कटोरी डाले हैं पानी। अब इसको ढककर उबाल आने देंगे। उबाल आ गया है, अब इसमें बेसन का पीस डाल देंगे। ढक कर धीमे आंच में 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट हो गया है, गैस बंद कर देंगे। देखते हैं सब्जी कैसे बनी है। देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी हुई है, कितना टेस्टी बनी हुई है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।